की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ। तब दिल्ली नहीं डूबी, हथनी कुंड बैराज से 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं, हथनी कुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2023 में हथनी कुंड बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और जिसमें दिल्ली डूब गई। दिल्ली डूबी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। यमुना क्षेत्र के बहाव में अवरोध, ये मेन पॉइंट है। 22 किलोमीटर के अंदर 25 पुल बना दिए गए हैं। यमुना के डूबे क्षेत्रों में बस्तियां बना रखी हैं। नालों का रेगुलेटर नाकाम है, कोई काम नहीं करता, इसी वजह से पानी रुक गया। तब बाढ़ से बचेगी दिल्ली। दिल्ली में ऊपर की ओर स्टोरेज डैम जरूरी है, बड़े नालों का रेगुलेटर सिस्टम दुरुस्त होना जरूरी है। शहर के ऊपर बाढ़ के पानी का रिटेंशन बेसिन बेहद जरूरी है। यमुना के बहाव क्षेत्र में अवरोध बंद करना होगा। हरियाणा से दिल्ली तक को कोऑर्डिनेट बैराज ऑपरेशन, ये बहुत जरूरी है। दिल्ली का दर्द क्या है जरा वो भी देख लीजिए। नाले का रेगुलेटर टूटने से नए इलाके डूब गए। 3 दिन से बाढ़ के पानी में दिल्ली डूबी हुई है। दिल्ली डरी हुई है, सहमी हुई है। डूबी हुई कॉलोनियों में बिजली पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब सोचिए, पीने के पानी की किल्लत लोगों को हो रही है, कैसे जीवन यापन हो रहा होगा। घरों में फंसे लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है, और ये ग्राउंड जीरो की हकीकत है। बुजुर्ग महिला गर्भवतियों की परेशानी बढ़ गई है। आखिर इतने पानी में 5-5 फीट 6-6 फीट पानी में जाए तो जाए कहां। बाढ़ में डूबी सड़कों से ट्रैफिक की मुसीबत बनी हुई है। जहां 50 मिनट लगते हैं जाने में, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। आईटीओ, राजघाट, रिंग रोड पूरी तरह से ब्लॉक नजर आ रहा है। लाल किला, भैरव रोड पर भी पानी ही पानी नजर आता है। ये हालात है, ये हकीकत है। बाढ़ पर सियासत जोरदार है। दिल्ली में बाढ़ के हालातों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के मंत्री और उपराज्यपाल के बीच बहस देखी गई। मीडिया के सामने ही आरोपों की राजनीति हुई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें समय पर एनडीआरएफ नहीं मिली, अगर मिलती तो हम राहत बचाव का काम तेजी के साथ कराते। नाले के रेगुलेटर टूटने पर मदद ना मिलने का भी आरोप यहां पर लगा दिया गया है। कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, एलजी साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए है। नाले की देखरेख में नाकाम रही दिल्ली सरकार, एलजी ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर। कल रात में एनडीआरएफ की 15 टीमें फील्ड में थी, केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये है पूरा ताना बाना कि आखिर तब दिल्ली क्यों नहीं डूबी, दिल्ली अब क्यों डूबी है, तब क्या बच सकती है दिल्ली, कैसे बच सकती है, आरोप प्रत्यारोप क्या रहे, सियासी पारा क्यों चढ़ा, दिल्ली का दर्द कैसा है फिलहाल।